भाई मारुति नींद में था क्या जो ये गाड़ी बना दी? ये भाई सेकंड बेस मॉडल है, और किस एंगल से आपको बेस मॉडल लग रहा है भाई? टॉप मॉडल वाले सारे फीचर दे दिए, क्रूज कंट्रोल भी है, इवन नींद में ही कर सकता है काम मारुति। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के सेकंड बेस मॉडल की। सेकंड बेस मॉडल सबसे ज्यादा बढ़िया मॉडल है क्योंकि ये 14 लाख रुपए ऑन रोड आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी भाई पीछे के लुक्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताना किस गाड़ी से ये मिलते जुलते लुक्स हैं, और पर्सनली पीछे से इस गाड़ी के लुक्स किलर हैं भाई। नेक्सॉन ब्रीजा से भी ये गाड़ी लंबी है, इसमें आपको बूट स्पेस ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर भी देखने को मिलता है। कमेंट करके बताओ कि कौन सी गाड़ी में मिलते हैं दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी के लुक्स, फ्रंट से तो गाड़ी फ्रॉन्क्स जैसी है, वैसे तो फ्रॉन्क्स ने इसकी कॉपी मारी हुई है, और इसके अंदर 3 आपको ये LED DRL देखने को मिलेगी, प्लस प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेगी जो कि पीली लाइट है भाई, और फॉग लाइट तो इस गाड़ी में आती ही नहीं है टॉप मॉडल में भी। और क्लेवर डिजाइन है इस गाड़ी का, हेडलाइट नहीं काम कर दिया फॉग लाइट का। सेकंड बेस मॉडल होते हुए भी मारुति ने भाई इसमें क्रोम भरा पड़ा है, मतलब आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बेस मॉडल या सेकंड बेस मॉडल है। अब देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर डेड पेडल है या नहीं, जो काफी जरूरत का होता है। पहले मैं एक बार इसका हुड भी खोल देता हूं ताकि मेरे को बाद में आसानी हो। अब आप देख सकते हो कि इस गाड़ी के अंदर डेड पेडल दे रखा है, और बाकी लुक्स आप देख सकते हो। दरवाजा मुझे भाई थोड़ा सा इसका हल्का लगा, मतलब मैं टाटा की गाड़ी यूज करता हूँ तो इतना ज्यादा भारी नहीं था, थोड़ा हल्का था टियागो से भी, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। इंटीरियर बहुत बढ़िया है, एक नंबर इंटीरियर कहूंगा, क्योंकि सॉफ्ट टच दे रखा है बेस मॉडल होते हुए भी। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, और चारों पावर विंडोज आपको गाड़ी में देखने को मिलती है, प्लस लॉक अनलॉक और ऑटो फोल्डेबल और एडजस्टेबल, मतलब फीचर की कमी नहीं किसी एंगल से। ये सेकंड बेस मॉडल नहीं लग रहा, मतलब पसीने छूट जाएंगे टॉप मॉडल के तो भाई वह देख के। यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है भाई सॉफ्ट टच का, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम टच देते हैं मुझे तो। देख लो भाई थोड़ा सा इंटीरियर गाड़ी का, टच स्क्रीन भी है, और यहाँ पे ना सीट काफी कुशनी है जो आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं देगा। ऑटोमेटिक AC, यहाँ सारे बटन दिख देंगे ऑटो ऑन ऑफ के, ट्रैक्शन कंट्रोल के, प्लस यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट भी दे रखा है, थोड़े बहुत बटन डमी है। और अब आप देख लो कि कैसी MID पर देखने को मिलता है, सुजुकी का लोगो आ जाता है टच स्क्रीन पर, और थोड़ी बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है अगर टॉप मॉडल की तरफ आप जाते हो। पर इसके साथ भी आपको सुजुकी कनेक्ट के कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं, पर थोड़ा टाइम तो भाई स्क्रीन ऑन होने में लगाती है। टच रिस्पॉन्स में भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा था टच स्क्रीन। अब इस गाड़ी का आपको MID दिखाता हूँ भाई, ये देख लो MID मीटर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना भाई। अब आप देख लो बीच का व्यू थोड़ा सा कुछ ऐसा है, और थोड़ा बहुत आपको अगर मैं दिखाऊं ना, ये देखो थोड़ा सा कि आप जब उतरते हो गाड़ी से तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से। पीछे की स्पेस दिखा दूं तो ये देखो आपको पीछे की स्पेस कुछ इतनी देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रियर AC वेंट प्लस हैंडरेस्ट। और क्या चाहिए, मतलब सेकंड बेस मॉडल है, मुझे लग नहीं रहा कि ये सेकंड बेस मॉडल है सही में भाई। अब इसको मैं दिखा देता हूँ खोल के भाई, इसकी डिक्की बूट स्पेस आपको ना इतनी कुछ देखने को मिल जाती है, आपको पार्सल ट्रे लगी लगाई मिल रही है, काफी बड़ी बूट स्पेस है, काफी सारा सामान आपका आ जाएगा अगर आप ट्रिप पे निकलते हो। और इसकी ये बूट भी थोड़ी हैवी कर दी है पिछली बार से जो मुझे लगी। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि ये बीच में जैसे स्क्रीन लगी हुई है ना, इसके नीचे का लेआउट भी बढ़िया है, और इसका सबसे बढ़िया चीज है गियर, जो इसका गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ है, मतलब एक उंगली से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ग्लव बॉक्स इतना कुछ देखने को आपको मिल जाता है, साइड से देख लो ऐसी कुछ गाड़ी देखने को मिलेगी, और रात को काम आने वाला एंटी ग्लेयर आपको IRVM देखने को मिलता है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। और खास बात ये कि ना आपका जो दरवाजा खुला है उसकी एनिमेशन काफी बड़ी है और अच्छी लग रही है। अब जैसे एक मिनट मैं दरवाजा आपको बंद करके दिखाता हूँ, तो देखो गायब हो गया, तो ये एनिमेशन भी मुझे ना काफी बढ़िया लगी, काफी बड़ी और अच्छी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। चाबी दिखाना भूल चुका था मैं, चाबी देख लो ऐसी कुछ देखने को मिलती है, 2 कीज, और ये स्मार्ट कीज है मारुति की, जो बलेनो में भी देखने को मिलती है और इसमें भी देखने को मिलती है। अब आपको ना हुड की तरफ लेके जाते हैं, ये देखिए ये इस गाड़ी का हुड है। अब मैं इसको उठा के बताता हूँ, और ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का नहीं था, जैसे और मारुति की गाड़ी होती ना हल्की, ये थोड़ा सा मुझे हैवी लगा। प्लस इसके अंदर भाई वही ब्रीजा वाला इंजन देखने को मिल जाता है सेम पावर स्पेसिफिकेशन के साथ, और ये इंजन का जो बे था वो काफी क्लीन है, मतलब कोई हबड़ जबड़ नहीं है इसके अंदर।
बाकी इस गाड़ी की अभी सेफ्टी रेटिंग का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैंने इसका जो बोनेट और डिक्की चगी ना वो थोड़ी मुझे हैवी लगी अदर मारुति कार से, प्लस उसके थोड़े दरवाजे मुझे ना हल्के लगे इस गाड़ी के। मारुति की गाड़ियों से तो भारी हैं लेकिन थोड़े टाटा के हिसाब से हल्के लगे। अब किन को ये गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एक लंबी और बड़ी गाड़ी की, एसयूवी गाड़ी आप लेना चाहते हो अच्छी खासे प्रीमियम फीचर्स के साथ, और गाड़ी भी आपको चाहिए कि भाई बिल्कुल साइलेंट हो, पता भी ना चले स्टार्ट है या नहीं, तब आप ये गाड़ी की तरफ जा सकते हो। वैसे तो इसका जो कंपटीशन है वो है भाई क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया है मैं कहूँगा, लेकिन उन गाड़ी के अंदर बस यही है कि जिस व्यक्ति को मारुति की मेंटेनेंस चाहिए, मतलब सस्ती मेंटेनेंस, पार्ट इसके इजीली अवेलेबल हो, वो ये गाड़ी जरूर ले सकता है ग्रैंड विटारा को। बाकी इसका जो वैल्यू फॉर मनी है ना वो बेस मॉडल और बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है, अगर आप हाइब्रिड नहीं लेना चाहते जो फुली हाइब्रिड है इस गाड़ी का। बाकी इस गाड़ी का बड़ी होते हुए भी अच्छी खासी एवरेज दे देती है गाड़ी, लो मेंटेनेंस है और क्या चाहिए, थोड़ा बस इसकी सेफ्टी रेटिंग आ जाए ना तब तो भाई बायर एकदम से इस गाड़ी को लेने को करेगा। बाकी बेस मॉडल से इस गाड़ी में 4 डिस्क ब्रेक आती है, मतलब ब्रेकिंग अच्छी खासी गाड़ी की है। बाकी अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर करना, आपके लिए परफेक्ट गाड़ी अलग हो सकती है।